हेलो फ्रेंड्स। तो ये जूक का पावर बैंक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और आजकल हर कंपनी पावर बैंक बना रही है, चाहे वो किसी और भी फील्ड से हो तो भी पावर बैंक बनाने लगती है। और लोग बोलते हैं कि इंडिया, मतलब इंडियन कंपनी का पावर बैंक लेना चाहिए। तो ये जूक फ्रांस की कंपनी है, फिलिप्स नीदरलैंड की कंपनी है। इंडिया के कंपनी जैसे कि सिस्का, URBN, आईबॉल, ये सब लोग भी पावर बैंक बनाते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो ये जो हमारी इंडियन कंपनी है या ये जो फ्रांस की कंपनी है जूक, ये सब पावर बैंक बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, ये जो पार्ट्स होते हैं अंदर के, जो बैटरी होती है, ये चिप हुआ, तो ये सब जो क्वालिटी है वो चाइना से मंगा के बना असेंबल करते हैं, या जो क्वालिटी है वो चाइना जैसी ही होती है। तो खुद की ये कंट्री जो है हमारी इंडिया, या फिर जो ये जूक पावर बैंक जो फ्रांस की कंपनी, ये लोग खुद के कंट्री में ऐसा नहीं बना सकते बैटरी, या अगर बनाएंगे तो भी चाइना की क्वालिटी की होगी। इसीलिए इन सभी पावर बैंक्स की, जो 10,000 mAh के पावर बैंक्स हैं या 5,000 mAh के आप पावर बैंक्स लेते हैं, वो सबकी प्राइस एक ही रेंज की होती है। अब ये 10,000 mAh के पावर बैंक आपको 500, 600 यही रेट में सब मिलते हैं, क्योंकि सबके अंदर जो ये जो बैटरी होती है, जो पार्ट्स होते हैं, वो चाइना के क्वालिटी के होते हैं। और अगर आपको हट के, चाइना से हट के अच्छी क्वालिटी के पावर बैंक्स लेने हो, तो आप सैमसंग, सोनी या नोकिया के पावर बैंक्स ले सकते हैं। वो सब पावर बैंक्स ओरिजिनल ही तो होते ही हैं, लेकिन उसके अंदर की क्वालिटी जो है, जो बैटरी हुआ, चिप हुआ, वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। भले उस पर मेड इन चाइना लिखा हो उनकी बैटरीज पे, सैमसंग के, सोनी के, लेकिन वो सिर्फ असेंबल चाइना में हुए होंगे, लेकिन जो क्वालिटी होगी अंदर की बैटरी, चिप, वो सैमसंग, सोनी, नोकिया वो डिसाइड करते कि कैसी क्वालिटी होनी चाहिए। तो ऐसी क्वालिटी उनकी नहीं होती। तो अगर आपको ओरिजिनल पावर बैंक्स या अच्छे पावर बैंक्स लेने हैं, थोड़े महंगे, तो आप सोनी, सैमसंग, नोकिया के ले सकते हैं। ये जो कंपनीज़ है, नोकिया जो कि फिनलैंड की कंपनी है, कोरिया की कंपनी अपना सैमसंग है, और सोनी जो है जापान की कंपनी है, तो इनके मोबाइल्स हुए, एक्सेसरीज़ हुए, ये सब भले ही आपको मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन कोरिया लिखा हुआ मिले, लेकिन अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो सब जो है, वो सैमसंग डिसाइड करता है, सोनी डिसाइड करता है कि किस क्वालिटी के होने चाहिए। तो ये जो सब पावर बैंक्स आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन जो ऑनलाइन मिलते हैं, और सब एक ही रेंज में होते हैं, तमाम पावर बैंक्स मिलते हैं 10,000 mAh के, लेकिन वो सब जो है, जो अंदर की क्वालिटी होती है, चाहे वो कहीं भी बनी हो, लेकिन वो सब चाइना की क्वालिटी के होते हैं। तो यही आपको बताना था कि जब तक जो फील्ड में जो कंपनी जानी जाती है वहाँ का, वो चीज़ आप लीजिए। जैसे कि फिलिप्स जो नीदरलैंड की कंपनी है, वो पावर बैंक बनाती है, लेकिन अंदर के क्वालिटी सब चाइना के तरह होते हैं। और फिलिप्स जो कि ऑडियो एसेसरीज में जानी जाती है, तो उनके ऑडियो के प्रोडक्ट्स आप लीजिए, वो सब आपको अच्छे मिलेंगे। जैसे ईयरफोन्स हुआ, स्पीकर्स हुए, भले वो मेड इन चाइना हो, लेकिन वो फिलिप्स डिसाइड करता है कि अंदर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, ये सभी प्रोडक्ट्स पे ये बात लागू होती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।